हाय दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ट्रैवल यूनियन ऐप जो अभी लाइव हो चुका है। आप अगर प्ले स्टोर में जाओ और आप अगर हमारा एप्लीकेशन में जाओ तो आपको पता चल जाएगा जो ट्रैवल यूनियन ऐप अभी लाइव हो चुका है, तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है या क्या क्या फीचर्स उसमें दिया गया है पूरा आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। या अभी पहले मैंने मेरा थंबनेल में बताया हूँ जो मैंने IRCTC पूरा फ्री में मिलेगा, कैसे फ्री में मिलेगा और कितना महीने में आपको वो कैशबैक मिलेगा या वो पैसा को कैसे उनको देना है या आपको अभी जो क्या है फंडा है जो IRCTC फ्री का, तो पूरा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। हमारा चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहाँ पे जाके लिंक दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सबसे पहले हर अपडेट आपको मिल जाते हैं। तो आपको सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन खोल के दिखाता हूँ जो कैसे लाइव हुआ है और लाइव होने के बाद में उसको लॉगिन कैसे किया जाता है। और आप अगर कोई ऐसा बंदा देख रहे हो आपके पास स्पाइसमनी आईडी नहीं है तो आप कैसे उसको लॉगिन कर सकते हो पूरा बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम लोग चला जाएंगे हमारा यहाँ पे प्ले स्टोर में, सबसे पहले चला जाएंगे। जैसे प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद में यहाँ पे देखते हैं ट्रैवल यूनियन सर्च करके यहाँ पे एप्लीकेशन मिलते है कि नहीं। सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे ट्रैवल यूनियन सर्च करेंगे। ट्रैवल यूनियन जैसे यहाँ पे सर्च किए हैं, सर्च करने के बाद में यहाँ पे ट्रैवल यूनियन यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे देख सकते हो ट्रैवल यूनियन यहाँ पे तीन एप्लीकेशन के बाद में जो ट्रैवल यूनियन यहाँ पे दिखा दिया है उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ट्रैवल यूनियन बास IRCTC फ्लाइट एंड होटल बुकिंग का यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल का भी ऑप्शन दिया गया है। आप अगर चाहे तो यहाँ से इंस्टॉल करते हैं, हम लोग यहाँ से इंस्टॉल करके देखते हैं क्या है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे देख सकते हो ये ओपन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो ओपन और अनइंस्टॉल आ गया है, मतलब ये इंस्टॉल हो चुका है हमारा एप्लीकेशन। और ओपन पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये एप्लीकेशन खोलकर आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे लिखा है ट्रैवल यूनियन और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया है, तो इंग्लिश पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लेट्स टुगेदर मीट इंडियंस ट्रैवल नीड्स ऑन इन प्लेटफॉर्म। इस एक प्लेटफॉर्म से आपका जो ट्रैवल, जो आप अगर ट्रैवल बिजनेस करते हो आप इस एप्लीकेशन से आपका ट्रैवल बिजनेस का पूरा ऐप पूरा कर सकते हो। जैसे आपका IRCTC हो गया, आपका बस हो गया, होटल हो गया और फ्लाइट हो गया, पूरा आपको इसमें से मिल जाएगा। इसमें से नेक्स्ट करते हैं, जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ ऑल ट्रैवल नीड्स। आपका जो भी कुछ जरूरत है ट्रैवल का पूरा इसको इस ऐप की मदद से मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे भी दिखा है आपका क्या क्या सर्विस वगैरह मिलेगा, पूरा यहाँ पे भी दिख रहा है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे अलाउ कर देंगे, जो भी कुछ परमिशन मांगेगा अलाउ कर देना है आपको। उसके बाद में मेंबर आईडी और पासवर्ड देना है, ये सबसे बड़ी चीज है। बहुत सारा लोगों का मेंबर आईडी और पासवर्ड नहीं है। मेंबर आईडी पासवर्ड आपके पास अगर स्पाइसमनी आईडी है तो आप एक ट्रैवल यूनियन का एक हिस्सा बन सकते हैं, ट्रैवल यूनियन ऐप का लॉगिन कर सकते हैं। आपके पास अगर स्पाइसमनी आईडी पासवर्ड है, उस स्पाइसमनी आईडी पासवर्ड को देके इस आईडी को भी लॉगिन कर सकते हो। आपके पास अगर आईडी पासवर्ड स्पाइसमनी की नहीं है, आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहां पे आपको बहुत सारा बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा, बेसिक डिटेल्स डाल देना है और वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर कोड भी मांगा जाएगा। मैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर कोड डाल दे रहा हूँ 297769। वहां पे डालेंगे तो मेरा नाम दिखेगा, इसके अली अशरफ यहां पे नाम दिखेगा। तो आपको उस डिस्ट्रीब्यूटर कोड डाल के जो बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा वो दे के आपको साइन अप कर जाना है। और मेरा पास जैसे आपका डिटेल्स आएगा मैं जल्दी अप्रूव करके आपको आईडी पासवर्ड दिला दूंगा, ठीक है? आपको ये कर लेना है। तो मैं सबसे पहले मेरा आईडी पासवर्ड दे के मैं यहाँ से लॉग इन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा यहाँ पे अच्छी तरीके से दिया गया है। मेरा वॉलेट पे जो बैलेंस है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। वो वॉलेट पे बैलेंस अगर दिख रहा है तो यहाँ पे ट्रेन पर जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लीज बाय IRCTC आईडी फॉर्म स्पाइस मनी ऐप। आप यहाँ से स्पाइस मनी एप्लीकेशन से डायरेक्टली आप अगर IRCTC बुक करते हो, अभी जो तारीख हो रहा है, अभी इस तारीख को तो कम से कम 20 तारीख को ये लॉन्च होने वाला है। 20 तारीख के बाद में ही आपको ये जो सर्विस है ये सर्विस आपको दिख जाएगा। 1200 रूपए दे के आप अगर खरीदते हो, 1200 रूपए दे खरीदने के बाद में आपको ये जो आईडी है जो फ्री में मिलेगा, कैसे आपको 1200 रूपए रिफंड किया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ।
कम से कम 8 महीने आपको इस्तेमाल करना है, 8 महीने इसको हर महीने के हिसाब से आपको पैसा रिफंड किया जाएगा। तो पूरा जैसे 20 तारीख को लॉन्च होते हैं, 8 महीने कैसे आपको पैसा रिफंड किया जाता है पूरा आपको कंफर्म बता दिया जाएगा इस चैनल के मदद से। आपको फिर से न्यू एक वीडियो बनाया जाएगा जिस वीडियो में बताया जाएगा जो कैसे आपको पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा, हर महीने में कितना कितना रिफंड किया जाएगा। आप अगर 1200 रुपए देके आप खरीदते हो IRCTC ID, पूरा पैसा आपको रिफंड दिया जाता है। तो यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे ट्रेन का कुछ, यहाँ पे ट्रेन हेल्प में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे सर्विस चार्ज वगैरह क्या क्या है या डोंगल वगैरह का क्या क्या रेट है यहाँ पे बताया गया है पूरा। आप यहाँ पे अगर अच्छी तरीके से एक एक चीज को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या रेट है। यहाँ पे देख सकते हो न्यू IRCTC ID विथ OTP 1199 रुपीज OTP का लगेगा और इसका एक्टिवेशन कोड एग्जिस्टिंग IRCTC ID 590 रुपए देके इसका जो ये है जो हर महीने का जो रेन्यूअल वगैरह है वो तो कराना पड़ता है। कम से कम 20 तारीख के बाद में आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इसके बारे में। अभी तो डायरेक्टली आपको पूरा अच्छी तरीके से बता नहीं सकता हूँ क्योंकि भाई जब तक लॉन्च नहीं हो जाता तब तक इसका पूरा एकदम अच्छी तरीके से पता नहीं चलता है। तो ये है इनका, ये पूरा अच्छी तरीके से आप देख सकते हो पूरा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। उसके बाद में बता देता हूँ इसका जो कुछ पॉइंट जो इसमें आपको इंस्टेंट रिफंड मिलता है आप अगर कोई टिकट बुक करवाते हो और उसका पैसा आपको डायरेक्टली आपका इंस्टेंट आपका कैंसिलेशन का जो चार्ज जो होता है वो कट के आपको पूरा पैसा आपको आपका वॉलेट पे मिल जाता है तुरंत। तो इसमें जो जो सर्विसेज है पूरा सर्विसेज आपको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल होता है और आपको यहाँ पे डायरेक्ट बुकिंग मिलते हैं। आपका कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई भी एप्लीकेशन वगैरह कोई भी नहीं रहता है, बीच में कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी नहीं रहता है, आपको डायरेक्टली ये एप्लीकेशन में डायरेक्टली बुकिंग होता है। और दूसरा इसमें से जो इसमें जो कॉस्टिंग जो लगता है जो जैसे फ्लाइट का कोई भी टिकट वगैरह देखते हो तो दूसरा कंपनी से इसमें बहुत कम में आपको टिकट वगैरह मिल जाएगा। तो ये है इसमें खासियत, बहुत अच्छा है। आप अगर चाहे अगर स्पाइस मनी की रिटेलर ना हो तो आप डायरेक्टली, आपका स्पाइस मनी आईडी नहीं है आपके पास तो आप डायरेक्टली इसमें से रजिस्ट्रेशन करें मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कोड देकर। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कोड यहाँ पे लगाया गया है तो डिस्ट्रीब्यूटर कोड देख के आप डायरेक्टली आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करोगे तो मेरे पास से पूरा आपको हेल्प मिल जाएगा आपके पास। अगर आप स्पाइस मनी आईडी लेके ही आप इस ऐप को लॉग इन करना चाहते हो तो आप तभी मेरे को कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर दिया गया है, मेरे साथ कॉन्टेक्ट करके भी आप डायरेक्टली आप आईडी बनवा सकते हो। तो इस वीडियो में तो आपको मालूम पड़ गया जो इसका क्या फंडा है, क्या प्रोसीजर है, आपको लॉगिन करके भी दिखा दिया हूँ अच्छी तरीके से। आपको आप खुद भी लॉगिन करके अभी देख सकते हो या रजिस्ट्रेशन करके भी देख सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बता दिया हूँ, सेम उसी तरह के कुछ बेसिक डिटेल्स डालना होता है और आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाता है। तो इसको पूरा एकदम अच्छी तरीके से कर लेना है तो आपका कम्प्लीटली हो जाता है। अगर कोई बंदा देख रहा है जो न्यू आईडी बनवाना चाहते हैं स्पाइस मनी की तो भाई वो भी बनवा सकते हैं हमारे पास से, तो उनका कोई कॉस्टिंग नहीं लगता है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट करके या व्हाट्सएप करके हम लोगों का पास से आईडी बनवा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते कोई नया कोई अच्छा वीडियो का साथ में।